आप सबको स्वागत है। आज हम 16 अप्रैल की शुरुआत में आ पहुंचे हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जब मुश्किल में हो, किसी प्रॉब्लम में हो और आप अपने दोस्त को या फैमिली मेंबर्स को फ़ोन करें एंड आप कॉल कर रहे हो और बीच में कनेक्शन टूट रहा हो, और या तो आप लो सिग्नल के एरिया में हो या उस दिन तूफान आ रहा हो और आपको सिग्नल्स ठीक नहीं मिलते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई सोल्यूशन मिले, गाइडेंस मिले, लेकिन मिल नहीं पाती है, कैसा फील होता है, राइट? समझ गए ना आप? उसी तरीके से लाइफ में हमारा जब परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता है, जब हमारे बाकी जितने भी कनेक्शंस हैं, दोस्त हैं, साथी संबंधी, वो हमें हेल्प नहीं कर पाते, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। देखा जाए तो अगर हम उनसे कनेक्टेड हों तो हमें और की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आज परमात्मा का जो वरदान है वो इसी चीज़ के बारे में है कि हमारा जो अटूट कनेक्शन होना चाहिए, अटूट याद होनी चाहिए, जिसके द्वारा कि हम अपने जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ उनकी विजडम के द्वारा, उनकी दी हुई गाइडेंस के द्वारा। क्या हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं या जानते हैं कि हम उनसे कैसे अपनी बातें बताएं उनको दिल से, ताकि उनकी जो थॉट्स की रेज हैं, थॉट्स की उनके संकल्पों की वाइब्रेशन है, परमात्मा की उनकी संकल्पों की किरणें हैं, वो हमें अंदर आ करके हमारे मन बुद्धि को शीतल बनाए, हमारे मन बुद्धि को हल्का बनाए, पवित्र बनाए, ताकि हम हर प्रॉब्लम का, हर अंधकार का प्रकाश ढूंढ पाएँ, सोल्यूशन ढूंढ पाएँ सिंपल टर्म्स में। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भवा। हम इधर उधर भागते हैं, उधर उधर कांटेक्ट करते हैं, लेकिन क्या अगर हम उनको कहें कि परमपिता परमात्मा मुझे गाइड करे इस सिचुएशन में, आप होते मिलेगा तो क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं आप? और अगर हम ये बातें कर पाए परमात्मा से, उनसे कनेक्ट होकर के परम धाम में जहाँ वो रहते हैं, तो फिर हर कार्य इजी होता है। तो आज इसी वरदान में परमात्मा कहते हैं, जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, कोई चीज जब मेरी हो जाती है, कोई व्यक्ति जब मेरा हो जाता है, तो हमें हल्कापन महसूस होता है कि नहीं। संबंध में हल्कापन महसूस होना मतलब कि आपका संबंध ताकतवर है, स्ट्रांग है, और आप जानते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी उस आत्मा की, उस व्यक्ति की, वो फटाफट आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा से पहले कोई हाजिर हो नहीं सकता, राइट और रॉन्ग, है ना, क्योंकि उनका कोई बंधन नहीं शरीर में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। कोई चीज मेरी है, चीज या व्यक्ति, तो ऑटोमेटिकली याद आती है, इंस्टेंटली, एक सेकंड में लगता है, लेकिन कोई चीज मेरी ना हो तो कैसे याद आएगी। तो इसलिए मेरा बाबा, परमपिता परमात्मा, फादर, क्रिएटर, आत्मा का मेरा है, याद किया नहीं जाता है ना। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, मतलब कि मैं आत्मा कोई भी परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन में आपसे ही सारी इच्छाएं रखूं, क्योंकि आप मेरे हो। मतलब हम परमात्मा कैसे कह रहे हैं, फिर परमात्मा कहते हैं इसी को कहा जाता है सहज योग, इजीली किसी को याद करना, परमात्मा को याद करना ईजी हो गया। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। आगे कैसे बढ़ना, कोई सिचुएशन आई, अटक नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपका परमात्मा से कनेक्शन है। आप परमात्मा से हर क्षण में, हर परिस्थिति में बातें करते हो कि बाबा मैं क्या करूं, बाबा अगर आप होते तो क्या करते, मुझे सिचुएशन में कौन से गुण, कौन सी शक्तियों, कौन से ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैं इसको पार कर लूँ। आपके अंदर इतनी धैर्यता, इतनी नम्रता, इतनी गहराई आ जाएगी इस मेडिटेशन के कारण, इस योग के कारण, इस कनेक्शन के कारण, इस यूनियन के कारण, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन के कारण, जो कि आप भी टेलीपैथी के थ्रू कर सकते हैं, इसमें मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है आपको। फिर परमात्मा कहते हैं, ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। उड़ता पंछी मतलब कि आप कोई फिजिकल पंछी तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप उड़ेंगे, मतलब कि आप संकल्पों के द्वारा परमात्मा से एक क्षण में जाकर के, मिल करके, उनसे बातें करके, आप हल्के होकर के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के वापस आ सकते हैं। इतना सिंपल है। अब वो वापस आना कहाँ से है, परमात्मा रहते कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको ब्रह्म कुमारी में सिखाई जाती हैं, जो कि आप भी जाकर के सीख सकते हैं निशुल्क। टाइप करिएगा www.brahmakumaris.org या .com, विदेश के लिए org, भारत के लिए .com।
एंड पता करें कि ये सेंटर्स कहाँ पे जा पे आप जा करके मेडिटेशन सीख सकते हैं। ओम शांति के साथ।